बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यहाँ आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी बर्गर। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बच्चे बड़े सभी बड़े शौक से खाते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से घर में बन जाते हैं। तो जिसके लिए मैंने सिंपल सा चिकन बॉयल किया है, 1 पिंच नमक डाल के सिर्फ, और ये वही चटनी है जिसकी मैंने आपको रेसिपी दी है। ये बॉयल्ड चिकन है मेरे पास, 2 से 3 बर्गर बन जाएंगे, आप अपने हिसाब से ले लें चिकन। ये इमली की चटनी है जिसकी रेसिपी मैंने दी है अपने चैनल पे, और ये सब्ज़ चटनी है इसकी भी रेसिपी दी है अपने चैनल पे, और ये बंद गोभी है जिसको मैंने बारीक सा काट लिया है। ये ब्लैक पेपर है, कुटी काली मिर्च है 1 टीस्पून, 2 टीस्पून पिसी चीनी है, 1 अंडा है, और ये मेयोनीज है जिससे हम कोल्सलो बनाएंगे, ये सैलड बंद गोभी का। और ये चीज़ें हैं, ऐसे हम बर्गर तैयार करते हैं। ये 3 से 4 चम्मच मैंने मेयोनीज डाला है बंद गोभी में, और इसको मिक्स करें आप। काली मिर्च कुटी डाल लें अपने टेस्ट के मुताबिक आप, और ये पिसी चीनी है 2 टीस्पून, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें। आप चाहें तो थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं और कोल्सलो बना लें, एक अच्छा सा सैलड बन जाएगा ये जी। तो इधर 2 अदद बर्गर है हमारे पास, पैन में ऑयल डाल के इनको अच्छा सा क्रिस्प कर लें, क्रिस्पी से ही मज़ा आता है। और ये बॉयल्ड चिकन है, इसको भी आप अपने हिसाब से चिकन डाल लें अंडे में और फेंट लें, चिकन ज़्यादा डालें। वैसे पैटी बहुत मज़े का बनता है, चिकन मुंह में आता है, अच्छा लगता है। सिंपल तरीके से घर में ही बहुत अच्छा सा बर्गर तैयार हो जाता है कम पैसों में। बनाएं, इंजॉय करें, बच्चों को दें, सबको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये बर्गर ट्राई करें। क्या हमने एक पैन में ऑयल 2 टेबलस्पून डाल के इस पैटी की शक्ल में ले आएंगे, इसको फ्राई कर लेते हैं, अच्छा सा फ्राई कर लें, एक पैटी की शक्ल में आ जाए। तो इसको आप प्लेट में निकाल लें जी। तो आएँ इधर बर्गर तैयार कर लेते हैं। ये चटनी सब्ज़ लगाएं, ये चटनी आप भर भर के लगाएं तो बहुत मज़ा आएगा। मैं यहाँ बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा कम लगा रही हूँ चटनी, और ये पैटी रखें, और फिर ये इमली और खजूर की चटनी लगाएं। आप बर्गर की दूसरी साइड पे चटनी लगा सकते हैं, मैं इधर पैटी पे लगा रही हूँ कि बच्चे वो पसंद नहीं ज़्यादा करते पैटी के ऊपर। आप पैटी के ऊपर लगा सकते हैं दूसरी शेप में, यहाँ पे ऊपर ही और सैलेड रखें आप, जो हमने बंद गोभी से कोल्सलो बनाया है सैलेड, और ये ऊपर बर्गर रखें। चटनियाँ आप भर भर के लगाएं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ी कम लगाई हैं, चटनियों का ही सारा मज़ा है इसमें, और बहुत यमी सा बर्गर तैयार है हमारा। बहुत ही कम बजट में बहुत यमी सा बर्गर तैयार घर पे ही हो जाता है। बच्चों को बना के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ख़ुद भी इंजॉय करें, और दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में अल्लाह की हिफाज़त में रहें जी आप सब लोग। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, इसी से मेरी न्यू हर रेसिपी आप तक पहुंचेगी, और शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ढेर सारा रखें ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।